बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त जेजेएन की टीम मौजूद है हल्द्वानी के नगर निगम में, जहां अभी कुछ देर पहले जो विजिलेंस की टीम है उसकी ओर से छापामार कार्रवाई की गई है। जी हां, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि हल्द्वानी के नगर निगम में विजिलेंस की टीम की ओर से छापामार कार्रवाई की गई है। मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई है वो रिश्वतखोर अधिकारी के ऊपर की गई है, और जिस तरह से लगातार हल्द्वानी में रिश्वतखोर अधिकारी सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठाता है कि हल्द्वानी के जो प्रशासनिक तंत्र है उसको क्या हो गया है और क्यों ये जो भ्रष्टाचार का दीमक है वो लगातार जो तंत्र है उसको खाता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि करीब 1 बजे ये छापामार कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसमें विजिलेंस की टीम की ओर से जो अधिकारी है, जेई है, अवर अभियंता है, उसको 25,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। जब खिड़की और दरवाजों की मजबूती और खूबसूरती मिले साथ, जो चले सालों साल, तो सबकी पसंद है A1 इंडस्ट्री UPVC डोर एंड विंडोज का साथ, हल्द्वानी उत्तराखंड। कॉल 9012266789। मैं आपको बता दूं कि मार्ग प्रकाश अनुभाग के ये अवर अभियंता है जिनकी ओर से रिश्वत की डिमांड की गई थी, और ये जो रिश्वत की डिमांड है वो की गई थी स्ट्रीट लाइट कंपनी से। जो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें रिश्वतखोर अधिकारी जो है वो विजिलेंस की टीम की ओर से गिरफ्तार किए गए हैं और रिश्वतखोरी में संलिप्त पाए गए हैं। इससे पहले भी जेजेएन ने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने आपको दिखाया था कि RTO का जो अधिकारी है वो बेलबाबा के पास रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तब से लेकर लगातार जो विजिलेंस की टीम है वो इस ओर कार्रवाई कर रही है, और एक बार फिर से विजिलेंस की टीम को शिकायत मिली थी जिसके एवज में आज विजिलेंस की टीम ने ये कार्रवाई की, और तत्काल जो आरोपी है जिनका नाम बताया जा रहा है KB उपाध्याय, जो नगर निगम में प्रकाश अनुभाग के JE हैं, उनकी ओर से ये कार्रवाई जो है वो विजिलेंस की टीम की ओर से की गई है और गिरफ्तार उनको करके हिरासत में ले लिया गया है। मैं आपको बता दूं, जब ये कार्रवाई की गई तो पूरे नगर निगम में हड़कंप मच गया और जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद रहे, जिसके बाद विजिलेंस की टीम जो है वो KB उपाध्याय को अपने साथ लेकर जो हिरासत है उसमें ले लिया और गिरफ्तार करते हुए यहाँ से जो टीम है वो चली गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में जो विजिलेंस की टीम है आगे क्या कदम उठाती है और कितने ऐसे अधिकारी हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त हैं, क्योंकि लगातार विजिलेंस की टीम जो है वो अधिकारियों पर कार्रवाई जो है वो कर रही है, और ऐसे में एक बार फिर नगर निगम के अधिकारी का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार होना कहीं ना कहीं एक सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी ये जो कार्रवाई है वो की गई है, और हल्द्वानी में इस तरह की जो कार्रवाई है वो होती रहती है, और जिसके चलते जो विजिलेंस की टीम है वो एक्शन में नज़र आती है। जब ये कार्रवाई यहाँ पर हुई तो विजिलेंस के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे, और स्ट्रीट लाइट बनाने वाली कंपनी से 25,000 की डिमांड की गई थी, और जब 25,000 की डिमांड जब की गई और जब आज वो पैसे लेकर यहाँ पर पहुँचे तो उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अब पूरा जो मामला है वो विजिलेंस की जांच में पता चलेगा कि क्या इससे पहले भी ऐसी डिमांडें हुई हैं, क्या इससे पहले भी रिश्वत ली गई है, और कितने जो अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। तो अभी के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी पल्लवी के साथ जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।